आप लोग मेरा साथ दे, सपोर्ट करें प्लीज मुझे, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग जी। तो आज का व्लॉग है जी बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा, और व्लॉग के एंड में मैंने सभी चीज़ों के प्राइस डिटेल शेयर करे हैं, तो वो प्राइस डिटेल है जी पर केजी के हिसाब से। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी डेली व्लॉग के साथ मैं फिर हाजिर हूँ, और आज का व्लॉग अगेन सादिया के स्कूल जाने से स्टार्ट हुआ था। आजकल सादिया को ज़िद लगी हुई है कि पापा आपके साथ ही जाना है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ आया करूँगी और हस्बैंड लेकर आ जाते हैं। तो जी देखें, सुबह सुबह जो वॉक करने का मज़ा होता है ना, मुझे लगता है वो सारा दिन में कभी नहीं मिलता। मतलब आप चाहे दिन में वॉक कर लो, या फिर इवनिंग वॉक कर लो, या रात में वॉक कर लो, बट जो सुबह की वॉक का मज़ा है ना, वो मुझे दोबारा मतलब पूरे दिन में देखने को नहीं मिलता। मैं रात में भी वॉक कर रही हूँ आजकल, और इवनिंग में भी ठीक है थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ मैं, बट सुबह में मुझे बहुत मज़ा आता है वॉक करने का। तो बस इसलिए मैं और चले जाती हूँ शादियों को स्कूल छोड़ने, कि जाते में तो हम लोग रिक्शा कर लेते हैं, बट आते में मैं वॉक करते हुए आ जाती हूँ। तो बस जी सादिया को स्कूल छोड़कर आकर मैं थोड़ी देर आराम से बैठ गई थी, और फिर इतनी देर में सुहान उठ कर आ गए थे। तो सुहान के साथ थोड़ा बहुत हगी शगी करा, खेली थोड़ी सी, और फिर सुहान को फ्रेश करा। और जी आज मैं आप लोगों को लेकर चल रही हूँ इंडिया की लार्जेस्ट होलसेल मार्केट में, ठीक है, जहाँ पर आप हर वैरायटी के स्पाइसेस ले सकते हैं, हर वैरायटी का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, और जी हर मतलब सभी कुछ अवेलेबल होता है वहाँ पर, एक्सेप्ट लाइक कपड़ा शपड़ा और शूज़, ये सब छोड़ के बाकी खाने पीने से रिलेटेड जो भी सामान हम ग्रॉसरी करते हैं ना ऑनलाइन, वो आपको वहाँ पे मिलता है, और 100% आपको वहाँ पे कम प्राइस में मिलेगा। इसकी गारंटी आपको मैं खुद दे रही हूँ। तो चलिए जी सुहान को फ्रेश करके हस्बैंड के पास छोड़ा, और मैं निकल गई जी मार्केट के लिए। तो मार्केट का रास्ता यहीं से शुरू होता है, और देखें जी मैं निकली थी कोई 10:30 बजे, और धूप देखें कितनी अच्छी निकल गई थी। और बस मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही थी इस तरह से, तो मुझे आइडिया नहीं था कि वो मार्केट पड़ेगी कहाँ, तो मैं भी पूछ पूछ के पहुँच ही गई फाइनली। तो मैंने ये यहाँ देखें सब वेजिटेबल्स लग चुके हैं, एक तरफ फ्रूट्स मिल रहे हैं, एक तरफ वेजिटेबल्स मिल रही हैं, मतलब हर तरह का वेजिटेबल था एक्सेप्ट वो ग्रीन वाली अनियन, जो स्प्रिंग अनियन जो होता है, बस वही नहीं था। मैंने कहा धत यहाँ पे भी नहीं मिल रहा वो। तो जी मैंने अंकल जी से पूछा है कि मुझे खाड़ी बावली जाना है, तो खाड़ी बावली के लिए मुझे कौन सा रास्ता सही है पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे दो रास्ते बताए, अगेन हम इंडियंस हैं तो हमेशा दो ऑप्शंस रखते हैं। तो इन्होंने मुझे एक राइट का ऑप्शन बताया और एक लेफ्ट का ऑप्शन बताया। मैंने कहा चलो जी मैं चलती रहती हूँ, मैं जिधर मुड़ूंगी ना मैं उस मार्केट में चले जाऊँगी। तो मैंने कहा आप ये बताओ थोक वाली जो शॉप्स होती है ना होलसेल वाली, वो दिखानी है मुझे। तो उन्होंने बोला फिर आप सीधा जाओ, सीधा जाके आपने लेफ्ट मुड़ जाना है। तो मैं रास्ता आपको बता देती हूँ, ये फतेहपुरी जो मस्जिद है ना, तो वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है आपने, और स्ट्रेट जाके आगे एक कट आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बस जी वहीं पे मुड़ जाना है, और वहाँ से मार्केट हो जाती है जी शुरू। तो जी यहाँ पर 100% वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी सस्ते मिलते होंगे, तभी सुबह सुबह इतने सारे लोग खरीदने आए हुए थे। तो यहाँ हमने लेफ्ट कट ले लिया है, लेफ्ट कट से यहाँ पर अचार की शॉप से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, चाय पत्ती की शॉप से स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे ना 8 से 10 शॉप्स छोड़ने के बाद, तो वहाँ से जी आपको ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स मिलेंगी। तो मैंने इन भैया से भी पूछा था ड्राई फ्रूट की शॉप कहाँ है, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि आप थोड़ा सा और आगे जाओ 5-7 दुकानें छोड़ के, फिर वहाँ से ड्राई फ्रूट शॉप से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुकीज़ भी मिलते हैं, चॉकलेट्स भी मिलती हैं, और सब चीज़ें मिलेंगी आपको बल्क में। तो जी इनकी ना कुछ क्वांटिटी होती है कि आपने 250 ग्राम्स लेना है या फिर एक पूरा पैकेट लेना है, तो उस तरह से आपने वो शॉपिंग करनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो हम रिटेलर से लेते हैं ना, भैया 50 के दे दो 100 का दे दो, अपनी मर्ज़ी से ख़रीद लेते हैं, तो इस तरह का नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पर जी पहली शॉप पड़ गई थी ड्राई फ्रूट्स की, और इन्होंने बड़े अच्छे से मतलब हर दुकान पे ना
आपने पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये होलसेल की मार्केट है ना, ऑब्वियसली इतने सारे ग्राहक आते होंगे, तो इन्होंने क्या कर रखे ना, पैकेट्स बना के और फिर उसके ऊपर प्राइस लिख रखे हैं। तो काजू की भी 3 वेराइटीज़ थे, बादाम के भी 3, हर चीज़ के 3 3 वेराइटीज़ थे इनके पास, ठीक है। और अगर आपको छिलके के साथ लेना है अखरोट, तो वो भी मिल जाएगा, और पील किया हुआ भी मिल जाएगा, दोनों तरह के मिल जाएंगे। प्राइस में डेफिनेटली फ़र्क है, ठीक है। तो मैंने उनसे भी पूछा, फिर मैंने सोचा यार इतनी दूर आई हूँ तो मैं एक दो शॉप्स और सर्च कर लेती हूँ। फिर मैं एक भैया के पास और आई थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ थर्ड शॉप पर आई थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं तो हम तो मतलब इतनी जल्दी से किसी भी शॉप से सेटिस्फाई नहीं हो सकते जब तक कि हम 5 7 शॉप्स एटलीस्ट घूम ना लें। तो मैं यहाँ पर आ गई थी थर्ड शॉप पे, क्योंकि मुझे घर भी जाना था, सुहान को ब्रेकफास्ट वगैरह भी कराना था। तो मैंने कहा यार जल्दी से मैं यहाँ से अब फाइनल करती हूँ, क्योंकि पिछली दो शॉप्स पे भी मैंने पूछा था ना, ऑलमोस्ट सेम प्राइस थे, 10 20 रुपीज़ का फ़र्क था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो मैंने कहा चलो यहीं से अब मैं फ़ाइनल करती हूँ अपना सारा सामान। तो मैंने सारा सामान जो भी था ना भैया को लिखवाया, मैंने कहा आप ये सारा सामान लिखो और मुझे निकाल कर दे दो। और मैं लकीली मतलब इतनी ज़्यादा लकी रही कि मतलब कस्टमर्स आने से पहले ही मैं ही सबकी शॉप पर फर्स्ट कस्टमर बन गई थी। तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना यहाँ पर कि मतलब लोग लाइन लगा लेते हैं, या इतनी इतनी भीड़ होती है कि आपका नंबर आने में बहुत टाइम लगता है। तो जब तक मैं ले रही थी ना, मीनवाइल 5 6 कस्टमर और आ गए थे इनकी शॉप पर। तो जी बस अगर आपने भी खारी बावली आना है ना, तो बस आप माइंड में ये रख कर आएँ कि आपने सुबह उठते ही आ जाना है, क्योंकि यहाँ की जो शॉप्स है ना वो 10 से 11 बजे के बीच में सारी शॉप्स ओपन हो जाती हैं। मैं 10:30 पहुँची थी, तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारी शॉप्स ओपन हुई हुई थी, बट फिर ये है कि कुछ कुछ बीच में शॉप्स बंद भी थी। तो बस ये 11 बजे तक ये समझ लीजिए पूरी मार्केट ओपन हो जाती है। तो मैंने आपको टाइमिंग भी बता दिया है और प्राइस भी बता दिए हैं कि प्राइस तो यहाँ पर जी आपके नियर बाय शॉप पर जो मिलता होगा ना, उससे लगभग 100 200 250 रुपये कम तक यहाँ पर मिलता है। तो मेरा हो गया था सामान पैक और जी मैं निकल गई थी आगे, क्योंकि मुझे लेना था जी देसी घी। तो मुझे बताया था किसी प्रताप का घी मिलता है यहाँ पर जो कि काफ़ी फेमस है, तो मैं उनके शॉप पर आ गई थी। तो यहाँ पर घी के प्राइस में भी काफ़ी अच्छा फ़र्क है, 250 रुपये का फ़र्क है पूरा। और जी फिर मैंने सोचा जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो ये वाले सीड्स जो है ना, मैं काफ़ी टाइम से ऑनलाइन देख रही थी बट बहुत कॉस्टली मिल रहे थे, फिर फाइनली यहाँ पर मुझे बड़े रीजनेबल प्राइस में मिले। तो मैंने कहा फटाफट से इसको उठाओ और घर के लिए निकलो। जी मैं इतना थक गई थी और सामान माशाल्लाह इतना ज़्यादा हो गया था ना मेरे पास कि मुझे रिक्शा करनी पड़ी, और जी यहाँ से वापस मैं घर के लिए जा रही हूँ। और ये देखें जी यहाँ पर भी शॉप्स काफ़ी ज़्यादा खुल चुकी थी, और यहाँ पर कैंडल्स भी मिलते हैं और सजावट का सामान भी मिलता है, सभी कुछ मिलता है। मतलब एशिया की लार्जेस्ट होलसेल मार्केट है ये। और जी हम आ गए हैं घर, टाइम ना जिम बंद होता है, देखें तो थोड़ी राहत होती है। चलिए बाद में सामान दिखाती हूँ आपको। जी ये सारा सामान मैं लेकर आई हूँ खाड़ी बावली से। तो अम्मी ने बनाना था जी ड्राई फ्रूट मिक्स, तो अम्मी का भी सामान लेकर आई हूँ और कुछ अपना भी सामान लेकर आई हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जी ये मखाना का पैकेट है, ठीक है, और प्राइस तो उन्होंने सबका बिल एक साथ लिख रखा था, तो वो तो मैं आपको दिखा दूँगी बाद में। और ये जी आमंड्स, बादाम, ये बादाम है, और ये है जी साबुत काजू, ठीक है, और ये है जी हाफ के जी मतलब आधा किलो के करीब गोंद वाइट वाली। तो ये सबसे बेस्ट उनके पास यही था, मतलब पूरी मार्केट मैंने सर्च करी थी तो सभी के पास ना सबसे बेस्ट ये वाली गोंद थी वाइट, तो इसका प्राइस भी ज़्यादा था। और ये लिया है जी डेसिकेटेड कोकोनट, ठीक है, बिल्कुल बुरादा जो होता है कोकोनट का। और अम्मी ने मंगाए थे जी ये पम्पकिन सीड्स, तो ये भी डालेंगे ड्राई फ्रूट मिक्स में, तो ये बहुत हेल्दी होते हैं, वैसे भी हमें लेने चाहिए ये वाले। और ये है जी वाइट वाले सीड्स,
पैकिंग भी अच्छी करके दी है उन्होंने, हैंड टू हैंड ये सारी पैकिंग करी है। तो ये वाइट वाले सीड्स हैं तो ये लिए हैं, और मैंने अपने लिए लिया था जी ये ब्राउन शुगर का पैकेट, क्योंकि मेरे पास ना ब्राउन शुगर ख़त्म हो गई थी, तो ये 1 kg का पैकेट है, ठीक है। और मैंने लिया था जी ये मिक्स नट्स, तो इसमें सभी कुछ है, क्रैनबेरीज हैं और ब्लैक वाली किशमिश है, आमंड्स हैं, सारे सीड्स हैं, और पम्पकिन सीड्स भी हैं, सनफ्लावर सीड्स भी हैं, और वाटरमेलन सीड्स भी हैं, और काजू भी हैं। तो ये सारा मतलब मैं बनाऊंगी जी इसका, जैसे केलॉग्स का आता है ना, तो मैं अभी ओट्स फाइन कर लूँ मुझे ओट्स कौन से यूज़ करने, फिर उसके बाद ना मैं अपना ये ब्रेकफास्ट के लिए इसको प्रिपेयर करूँगी सीरियल्स को, तो वो मैं आपके साथ ना रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी उसकी। तो बस जी ये सारा सामान लिया था मैंने, तो ये सारा सामान ना तकरीबन कोई आ गया है जी 1500 रुपये में, 1500 में अगर हम अपने मार्केट से लें ना, नियर बाय मार्केट से, तो ये सब सामान इतने का नहीं मिलने वाला है, ये बहुत कॉस्टली मिलेगा फिर, बट ये यहाँ पर ना 1500 में आराम से मिल गया, तो मुझे तो बहुत सही लगा, मैंने तो ले लिया जी। देखें जी ये सारा सामान है, और अगर इसमें से कुछ कम हुआ तो बाकी हम नियर बाय मार्केट से ले लेंगे। और इसका जब ड्राई फ्रूट मिक्स बनेगा ना, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ना ज़रूर शेयर करूँगी। सो इस वीकेंड हम मम्मी के जाएंगे ना, तो फिर जब इंशाल्लाह ये ड्राई फ्रूट मिक्स बनाएंगे, तो फिर आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। मेरा आज का व्लॉग आई होप सो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो बस अब शाम हो गई है, तो डिनर की तैयारी करेंगे, और अपना नेक्स्ट व्लॉग मैं यहीं से कंटिन्यू कर लूँगी। तो बस जी अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास के एरिया में रहते हैं, तो आप लोग भी खाड़ी बावली से अपना जितना भी ड्राई फ्रूट्स है, या फिर वहाँ पर तो एक्चुअली सब कुछ मिलता है, किराने वाली शॉप पे जो मिलता है ना, वो सब वहीं से परचेज होके जाता है, और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसों में हमें फिर वो सेल किया जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं थोड़े बहुत पैसे, थोड़े बहुत नहीं एक्चुअली हमारे तो बहुत ज़्यादा पैसे बच गए, अम्मी जब नियर बाय मार्केट से मंगवाती है ना, तो यही सामान 2 से 2500 रुपये में आता है, और मैं लाई हूँ जी 1500 में, तो बस अच्छी खासी बचत हो गई है। तो बस आपको भी अगर करना है इस तरह से, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बस काफ़ी दूर रहते हैं ना ओल्ड दिल्ली से, तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी कन्वीनियंस से आएँ, क्योंकि ये है कि यहाँ पर जब आप आओगे ना, तो मार्केट थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, और जब आप आएंगे ना, तो यकीनन यहाँ से बहुत सारा सामान लेके जाने वाले हैं, क्योंकि इतना रीज़नेबल प्राइस में आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो बाकी जो प्राइजेज है ना, तो वो मुझे ठीक से मतलब प्रॉपर तरीके से याद नहीं है, बट हाँ इतना याद है कि हर हर चीज़ पर एटलीस्ट 200-300 रुपीज़ ऑफ थे, ये मान लें आप। अगर हमारी लोकल मार्केट में जो ड्राई फ्रूट मिलता है ना, मतलब आमंड्स का रेट बता देती हूँ मैं, तो हमारे जो पास में शॉप है, तो वो आमंड्स देते हैं हमें आई गेस 900 रुपीज़, और यहाँ से जो मैं लाई हूँ ना, वो 680 रुपीज़ लाई हूँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा ले हर प्रोडक्ट पे इतना ही बचत है। तो बस जी यही आपको दिखाना था, मैं सोच रही थी जब मैं जा ही रही हूँ तो मैं अपना व्लॉग भी बना लेती हूँ, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा। और बाकी ये है कि आप जी दुआओं में याद रखिएगा, और ड्राई फ्रूट मिक्स जो बनाएंगे वो इस वीकेंड बनाएंगे अम्मी के घर में, तो वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। और बाकी अभी तो मैं अपना जो नेक्स्ट आने वाला व्लॉग है वो यहीं से कंटिन्यू कर लूँगी, क्योंकि मैंने डिसाइड करा कि मैं 1 वीक ना रेगुलर व्लॉग अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर व्लॉग अपलोड कर पाऊँ। तो आप लोग मेरा साथ दें, सपोर्ट करें प्लीज़ मुझे, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जी बस दुआओं में याद रखें अपनी। तो मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, बाय जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।